तो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आज आपको जो अपनी बहुत दिन से सोच रहे हैं, जो कार्य चिर प्रतीक्षित है, उसको संपन्न होने का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, इसका योग बन रहा है। पदोन्नत होने की संभावनाएं बन रही हैं, धन लाभ का भी योग बन रहा है और पदोन्नत के साथ साथ आज आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। भाग्य से सारे कार्य आज आपके संपन्न होंगे और आज आपका जो कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसमें विस्तार होने का योग बन रहा है। साझेदारी में व्यापार करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो साझेदारी में कोई कार्य न करें, शेयर लॉटरी इत्यादि में भी कोई कार्य न करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें आपके लिए बेहतर होगा। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि पुस्तक दान करें, अच्छा रहेगा। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, रो रहा है या चिढ़ जा रहा है या लग रहा है कि उसको देख करके सपने में डर जा रहा है, तो आप क्या करें कि भगवान श्री कृष्ण का मंत्र लिखें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र को लिखें। और क्या करें कि किसी पुतली में बांध लें उसको, जैसे लाल कपड़ा ले लें, उसको सुई धागे से सिल लें और बच्चे के सिरहाने रख दें, तो ऐसा करने से बच्चा न डरेगा, सोने में वो डरेगा नहीं, और जो स्वप्न देखता है, कुस्वप्न देखता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और मान लीजिए कोई गर्भ में बच्चा पल रहा है और माँ परेशान है, सपने देख रही है, तो इस मंत्र का 3 माला जप करें, अच्छा रहेगा। और पंजीरी का प्रसाद खाएं, बहुत ही बेहतर रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग लाल है और लक मीटर आपका 6 है। हरे कृष्ण।